हमारा टीम ऐसा है, वो चेन्नई से बोल रहे ठीक ऑन दिस रिकॉर्ड मेकर अच्छा ना, लेकिन इसलिए इतना तकलीफ करेगा वो, उतना आवाज कितना हार्ड वर्क पूरा, आप इधर नहीं हो तो वो नहीं हो सकते, इसलिए सब लोग बहुत शुक्रिया पहले। नेक्स्ट वो मेन क्यों बुलाया ना, लेकिन मीटिंग है ना वो ज्यादा दो तीन महीना मीटिंग नहीं लगा रहा जी, कभी कभी आदमी है आदमी नहीं, मैनेजमेंट आदमी नहीं, सब लोग तो छुट्टी है इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन मेन मीटिंग है ज्यादा नहीं, तीन चार पॉइंट वाली मीटिंग है, लेकिन पहले अपना टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क सब अच्छे से कर रहा, लेकिन मेन क्या है ना, लेकिन बीसी का टाइम पोर्टल तो बीसी ज्यादा होता तो अच्छा लगेगा, सही मतलब पंकज, लेकिन बीसी नहीं है तो बहुत मुश्किल है, कितना आदमी बैठे थे, लेकिन कम से 40 आदमी ज्यादा है, इतना आदमी केवल हम लोग पूरा देना पड़ेगा, सैलरी इंसेंटिव होटल अरेंजमेंट दिवाली बोनस तो सब देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस आना चाहिए अंदर, कम से 50 लाख हो सकते हैं ओनली, इधर पूरा चलना पड़ेगा। आपको मालूम है इधर चेन्नई में दुकान चालू हुए कितना तकलीफ है, आपको पूरा बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोलते कैसे मालूम है, लेकिन मैनेजमेंट आदमी इधर है इसको पूरा मालूम है, दूसरा आदमी नया नया बंदा आया ना सबको मैं बोलना चाहिए, राइटर हाउसकीपिंग वाला किचन नया नया आदमी वाशिंग वाला आदमी पूरा आदमी मालूम होना चाहिए, लेकिन मालूम हो गया तो समझा, लेकिन मालूम नहीं तो कैसे मालूम है, इधर अंदर सामान सामान है ना पूरा सामान अंदर आ गया तो फ्री में एक एक सामान भी फ्री में नहीं आता है, छोटा बॉक्स और टिश्यू पेपर कोई भी फ्री नहीं देता समझा, सब लोग दिमाग से देखो, इवन गवर्नमेंट आल्सो फ्री में नहीं आते, लेकिन अपना दुकान कैसे है तो ऐसे दिमाग से सुनना पड़ेगा, मेन वेस्टेज कंट्रोल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, किचन का आदमी नीचे का आदमी अगर टिश्यू पेपर आगटू ஏதோ இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க, ஏன்னா வேஸ்டேஜ் மிகப்பெரிய வந்து நஷ்டத்தை ஏற்படுது, அதாவது பெரிய டேங்கரை வந்து முடிச்சு போற மாதிரி போட்ட போற மாதிரி கீழே போயிட்டே இருந்தா கண்ணு தெரியாது, மாச கடைசியில் தெரியும் எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகுது, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நான்